राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो हो रही है वो पूरी हो चुकी है। अब जल जीवन मिशन योजना में घोटाले का ये पूरा मामला है। ठेकेदारों और अधिकारियों के ठिकानों से कई डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। ईडी अधिकारी अब दस्तावेज की विस्तृत जांच पड़ताल करेंगे और जांच पड़ताल में बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ईडी ने कल जब्त की थी करीब 2.5 करोड़ की नकदी, 1 किलो सोना और प्रॉपर्टी में 1 करोड़ रुपए निवेश के डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब ईडी फर्जीवाड़ा करने वालों की संपत्तियां भी जब्त करेगी। राजधानी जयपुर, अलवर और झुंझुनू में 17 ठिकानों पर ईडी ने ये छापा मारा था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है और साथ ही साथ 2.5 करोड़ की नकदी जब्त बरामद की गई है और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ विमल कोठारी। विमल, क्या कुछ जानकारी, अब कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो जानकारी मिल रही है उनसे कितनी मिल रही है कि कार्रवाई समाप्त होगी। जो अधिकारी 17 पॉइंट्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, तो सभी अधिकारी अब वापस ईडी मुख्यालय लौट चुके हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले के अंदर कई सारे बड़े खुलासे होंगे। खुलासे क्या होंगे उसकी एक प्रक्रिया होती है। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो खुलासे होते हैं उनके बारे में डिटेल साझा करने से पहले उसको डिटेल एनालिसिस करता है और उसके बाद में मीडिया से जानकारी साझा की जाती है। इसमें जो जानकारी हमें मिलती है वो यही है कि इसमें करीब 1 किलो सोना और 2.5 करोड़ की जो नकदी है वो कल जब्त हो चुकी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं और इन ये जो निवेश के दस्तावेज मिले हैं ईडी के अधिकारी अब स्पेशली इन्हीं दस्तावेजों पर आगे कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि ईडी ने ये पीएमएलए अर्थात प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कार्रवाई की थी, इसलिए इस बात की पूरी संभावनाएं नजर आ रही है कि यदि जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उनमें अगर काले धन का पैसा लगा हुआ तो ठीक है। विमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।